हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ड्रॉ करके सिखाने वाला हूँ ऋतिक रोशन की वाली फोटो का स्केच, और आउटलाइन मैं बना चुका हूँ। और आउटलाइन का मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, पार्ट वन था वो इस ट्यूटोरियल का। ये पार्ट टू है, इसमें हम इसमें शेडिंग करना बताऊंगा आपको, कैसे इसमें हम शेडिंग करेंगे और स्केच को करें कम्प्लीट। सो जिन्होंने आउटलाइन का ट्यूटोरियल नहीं देखा था पहले, वो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पार्ट वन का, या फिर ऊपर आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो का। तो आप पहले पार्ट वन देख लेना और आउटलाइन बनाना सीख लेना। फोटो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना फोटो। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्केच में शेडिंग करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इस तरह की डिफरेंट ग्रेड्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स का। सो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन से ग्रेड की पेंसिल यूज करनी है, तो उसी तरह से आप भी यूज करना। अगर आपके पास अभी एक ही पेंसिल है तो आप उसी को लाइट और डार्क यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल है जैसे मेरे पास है, सो आप वही यूज़ करना जो ग्रेड की मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले हम लेंगे 4B ग्रेड की पेंसिल और आईज़ और आईब्रो के डार्केस्ट एरियाज़ में शेड करेंगे। रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग शेप ध्यान रखना, और आउटलाइन तो हमने पहले बनाई है उसका भी हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें शेडिंग कहाँ करनी है, बट जो डार्केस्ट एरियाज़ है वहाँ पर हम ये वाली पेंसिल यूज़ करेंगे 4B। अब 4B से लाइट एरियाज के लिए हम 2B पेंसिल यूज करेंगे यहाँ पे। अभी भी 2B पेंसिल यूज कर रहा हूं मैं। अब हम यूज करेंगे इससे भी लाइट पेंसिल जो कि है HB। सो उससे हम आई के प्यूपिल में शेड करेंगे और बाकी लाइट एरियाज। अब इस शेडिंग को हम ब्लेंड कर देंगे। अब यहाँ से जो थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड हो गया होगा उसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा शेड करके ठीक कर लेंगे। इसी तरह से अब दूसरी आई बनानी है, और पहले हम 4B पेंसिल का यूज़ करके डार्क एरिया शेड करेंगे। फोर बी के बाद हम 2B पेंसिल यूज करेंगे 2B। अब हम यूज करेंगे HB और लाइट एरियाज में शेड करेंगे। अब इसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। यहाँ से शेडिंग थोड़ी सी डार्क हो गई है तो मैं इसको इरेजर से लाइट कर रहा हूँ। अब हम ड्रॉ करेंगे नोज, और सबसे पहले यूज़ करनी है 4B पेंसिल
और जो नोज़ में थोड़ी सी डार्क एरियाज हमें आउटलाइंस के साथ आउटलाइंस की जगह चाहिए, वो हम पहले 4B पेंसिल से करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले एक लाइन थी, अब हम लेंगे HB पेंसिल और यहाँ पे शेडिंग ठीक करेंगे। अब हम लेंगे 2B पेंसिल और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की शेडिंग करेंगे। अब हम लेंगे HB पेंसिल और नोज़ में शेडिंग करेंगे। इस तरह से HB पेंसिल शेड हो जाने के बाद अब हम HB से लाइट पेंसिल 2H पेंसिल यूज़ करेंगे, 2H, और बिल्कुल लाइट एरियाज़ में शेड करेंगे। अभी से हम कर लेंगे ब्लेंड। इरेजर से हम हाइलाइट्स क्रिएट कर लेंगे। नोज में शेडिंग हो जाने के बाद अब हम 2H पेंसिल से ही फोरहेड और चीक्स में अच्छे से एक बेस लेयर शेडिंग कर देंगे। जहाँ पे थोड़ी सी डार्क शेडिंग चाहिए होगी वहाँ पे हम HB पेंसिल से शेड करेंगे। रेफरेंस फोटो में आप देख सकते हैं कहाँ पे हमें थोड़े से डार्क एरिया शेड करने हैं। अब इसे हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड हो जाने के बाद इरेजर से हम हाइलाइट्स करेंगे और जो ज़्यादा डार्क एरिया हो जाएंगे उसको हम फिर से लाइट कर लेंगे। हाइलाइट्स करने के बाद स्केच का हमारा इतना पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ इसमें बच गया होगा तो हम एंड में फाइनल टचेस दे देंगे, बट फिलहाल अब हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं और हम बनाते हैं लिप्स। तो लिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4B पेंसिल यूज़ करनी है और डार्क एरिया शेड करने हैं। डार्क एरिया शेड हो जाने के बाद अब हम लेंगे HB पेंसिल और लिप्स में बाकी शेडिंग करेंगे। अब हम इसको कर देंगे ब्लेंड।
अब है स्केच का सबसे मुश्किल पार्ट जो कि है बियर्ड और मूछें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बियर्ड हमें बनानी है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट हम कोशिश करेंगे कि जितने आसान तरीके से बना पाए उतने आसान तरीके से बनाएं। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है HB पेंसिल और जहाँ जहाँ पे हमें मूछें बनानी है बियर्ड बनानी है उतने एरिया में हम HB पेंसिल से शेड कर लेंगे। देखो आप मैं कैसे करता हूँ। अब हम इसे कर देंगे ब्लेंड। अब बाकी बियर्ड बनाने से पहले हम यहाँ पे शेप ठीक कर लेंगे फेस की। यहाँ पे थोड़ी सी हमें डार्क शेडिंग चाहिए, जैसा कि आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो इस एरिया में थोड़ी सी डार्क शेडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 2B पेंसिल। और इसके आसपास जो लाइट एरियाज है वो हम इरेजर से कर लेंगे लाइट। ब्लेंड करने के बाद हम लेंगे 4B पेंसिल और उससे शॉर्ट बियर्ड हम बनाएंगे। बियर्ड हो जाने के बाद अब हम बनाएंगे कान, और कान में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले 2H पेंसिल से एक बेस लेयर कर देंगे। बेस लेयर हो जाने के बाद HB पेंसिल से कान में हम शेडिंग कर देंगे और डिटेलिंग करेंगे। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। इसी तरह से दूसरे कान में भी HP पेंसिल से शेडिंग कर देंगे। कान भी बन जाने के बाद अब हम बाल बनाएंगे और उसके लिए यूज करेंगे 6B पेंसिल। यहां से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी बस आइडिया सेम होना चाहिए बालों का कि जिस तरह का हेयर स्टाइल है हम वैसा ही बनाएं। एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम सेम साइज़ के बाल या एग्जैक्ट सेम शेड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है। चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो हेयर स्टाइल में, बस ऐसा लगना चाहिए कि जिसका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं बाल उसी के हों, ये ना हो कि किसी और का हेयर स्टाइल लगे वो। बाल भी बन जाने के बाद अब हम देखेंगे फेस में क्या क्या कमी रह गई है। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे आईज़ के नीचे थोड़ी डार्क शेडिंग होगी, तो वो मैं ठीक करूँगा और इस तरफ भी। और हाँ, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल।
अब हम बनाएंगे नेक, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे 2H पेंसिल, और पहले बेस लेयर कर देंगे पूरे नेक में। यहाँ पे नीचे हमें थोड़ी शेडो सी बनानी है, तो उसके लिए यूज़ करनी है 4B पेंसिल। यहाँ पे थोड़े से हेयर ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए 4B यूज़ करेंगे। कपड़ों में शेड करना काफ़ी इजी है, बस 6B पेंसिल यूज़ करनी है डार्क वाली, और उससे हम डार्क शेडिंग कर देंगे। सो गाइस, स्केच हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से हो गई है, बट आप वो मिस्टेक ठीक कर सकते हो। बस स्टेप्स तो यही रहेंगे जो मैंने आपको बताए। सो स्टेप्स मैंने आपको सारे के सारे अच्छे से बताए, कहाँ पे कौन सी पेंसिल्स कैसे यूज़ करनी है, और आई होप आप इसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे। कमेंट्स में मुझे बताओ कैसा लगा आपको स्केच, और किन के स्केचेस के ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए। और जो चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।